टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर कॉस्ट एंड रेवेन्यू यूनिट 3 पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉस्ट होती क्या है। तो कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन एक्वायरिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी एटसेट्रा। तो कॉस्ट हर वो खर्चा जो प्रोड्यूसर करता है फैक्टर्स को एक्वायर करने में, हम कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट कॉस्ट डिफरेंट टाइप की होती है, तो हम उन कॉस्ट को अब स्टडी करें। सबसे पहले हम डिस्कस करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जैसे कि सपोज मेरे पास चार ऑप्शन है, मैं किसी अपने फैक्टर को चार चीजों में इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे फर्स्ट उसमें मुझे अगर मैं अपनी जमीन जो मेरी है उस पर अगर मैं फैक्ट्री लगाता हूँ तो उससे क्या होगा, मुझे अपना रेंट जो पे करना होता है मुझे वो 800 रुपये बच रहा, तो वो हो गई मेरी फर्स्ट कॉस्ट। उसके बाद जैसे कॉस्ट 600, 300, 200, ये चार तरह की कॉस्ट है। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होगा कि मैं उसे रेंट पे दूं जहाँ पे 800 रुपये मुझे मिल रहे हैं। तो और सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, 600 रुपये वाली। तो जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। इट मीन्स कि फर्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव में तो हम उस चीज को यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उस चीज में उस चीज को हम फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में यूज ना करके सेकंड में करें तो हमारी कॉस्ट कितनी होती है, उस चीज को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द अमाउंट दैट अ प्रोड्यूसर इज पेइंग टू गेट द एसेट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि उसको लैंड चाहिए तो वो लैंड खरीदने के लिए पैसे पे करता है, उसको लेबर चाहिए तो लेबर को पैसे पे करता है, उसे रॉ मटेरियल चाहिए तो उसे खरीदने के लिए उसे पैसे पे करना पड़ता। तो वो कॉस्ट हम उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसके लिए प्रोड्यूसर पैसे तो पे नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी वो कॉस्ट होती है, उसको हम काउंट करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक हॉल है जिसे मैं रेंट पे दे सकता हूँ, लेकिन मुझे वहां पे कुछ प्रोडक्शन वर्क करना है, तो इसका मतलब वो मेरा खुद का है, लेकिन वहां पे मैं रेंट पे नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो कॉस्ट है जो कि कॉस्ट चली गई अगर मैं उसको रेंट पे करता। सो दैट कॉस्ट इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। अनदर एग्जाम्पल इज से मैं अपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस चीज में, तो 5 लाख रुपए पे मुझे अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करता तो मैं उसे कहीं बैंक में डिपॉजिट करता, वहां से मुझे इंटरेस्ट मिलता। तो वो जो कॉस्ट है, वो जो 5 लाख रुपए हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो भी मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है, और जो अमाउंट मुझे बैंक से मिलता वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में यही डिफरेंस है। इम्प्लिसिट कॉस्ट जहां पे हम उसको यूज कर रहे हैं लेकिन उसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ रहा, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हम किसी और ऑल्टरनेटिव से हम उसको अगर यूज करते तो उससे जो हमें पैसा मिलता वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जैसे कि इस केस में अगर बैंक हमें 6% इंटरेस्ट देता तो वो हमारे सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो बैंक हमें पे करता वो इंटरेस्ट है। ओके, थर्ड इज वी हैव टू डिस्कस अबाउट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने में हमने इनकर की, और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जब हम आउटपुट को चेंज करते हैं। व्हेनेवर वी चेंज द आउटपुट द कॉस्ट इनकर्ड ऑन चेंजिंग ऑन प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो जब भी हम जो आउटपुट में वेरिएशन करते हैं उस कॉस्ट में जब वेरिएशन होती है उसे हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट के लिए चेंज होती है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट सर्टेन यूनिट्स के लिए
सेम रहती है, मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं होता और इसमें चेंज होता है हर यूनिट पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिक्स कॉस्ट का एग्जाम्पल है लैंड कैपिटल, और वेरिएबल कॉस्ट इज लाइक लेबर एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, दैट इज वेरिड अकॉर्डिंग टू द आउटपुट। नेक्स्ट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। जब हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देते हैं वो टोटल कॉस्ट हमारी होती है, टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट इज एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हर यूनिट जब हम एम्प्लॉय कर रहे हैं वेरिएबल फैक्टर की, उससे जो हमें उस पर जो हम कॉस्ट इंकर करें उसको हम एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। ओके, सो इट इज कैलकुलेटेड एज टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी और क्वांटिटी दैट वी प्रोड्यूस। हर क्वांटिटी पे जो हमारी एवरेज कॉस्ट है, हम हर क्वांटिटी पे जो हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं उसको हम एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इट इज कैलकुलेटेड एज टीएफसी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पर यूनिट इज नोन एज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमेशा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा डिक्लाइन करती है। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है और जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिनोमिनेटर कम होता जाएगा और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटती रहेगी। तो उसका कर्व इस तरह से होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व इस तरह से होता है, एएफसी। ओके, ये कर्व कभी भी इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कभी भी एएफसी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि देयर विल बी सम फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा होगी, जितने भी हम यूनिट इंक्रीज करते जाएंगे बिल्कुल कम होता जाएगा, इनका डिफरेंस कम होता जाएगा, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एएफसी कर्व। नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दैट इज वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। हर यूनिट पे जो वेरिएबल कॉस्ट हमने इनकर की उसका जो एवरेज होता है उसे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट और एमसी। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? सपोज द कॉस्ट दैट वी इनकर ऑन एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। जब भी हम कोई नई यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए जो एडिशनल कॉस्ट होती है वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है। ये कैलकुलेट की जाती है टी सी एन, एन यूनिट पे जो हमारी टोटल कॉस्ट है माइनस टी सी एन माइनस वन। इट मीन्स चेंज इन द टोटल कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट।